हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज मैंने आपको ऐसी रेसिपी बनाना सिखाई है जिसको खाने के बाद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी होती है कि इसे खाने के बाद आप बिल्कुल भी जंक फूड खाना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने चना दाल और उड़द दाल को 2 घंटे पहले पानी में सोख करके रख दिया था, और अब इसका मैं पानी छान के इसे मिक्सर ग्राइंडर में रख लूँगी, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। और साथ ही साथ इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी। तो इसमें मैंने देखिए अदरक अच्छे से छील के रख लिया है, 1 इंच अदरक, 2 मिर्ची, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और 2-4 लहसुन की कली। सबको अच्छे से हमें डाल के मिक्सी में ऐसा ही बिना पानी डाले गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। और इधर देखिए, मैंने आटा को भी एकदम टाइट और सख्त गूंथ के रख लिया है, और इधर मैंने पानी रख दिया स्टीम होने को। तो चलिए, अब बारी आती है कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो पहले हम आटे के छोटे छोटे पेड़े लेने हैं, और थोड़ा सा उसे हम बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी ऐसे फैला सकते हैं, और ये देखिए थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके अपनी इस फिलिंग को हमें डाल देना है, और बस ऐसे हमें दोनों तरफ से उठा के मोड़ देना है। आप चाहें तो इसके दोनों किनारों को जोड़ भी सकते हैं, ना चाहें तो ऐसे ही, बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये देखिए, मैंने 2 तो बिल्कुल बंद वाले बनाए हैं, और अब मैं ओपन वाले बनाऊँगी। बस हल्का सा लोई लेके उसमें हमें फिलिंग को भर देना है। तो रोटी जो हम बनाएंगे, ना ही ज़्यादा पतली होगी, ना ही ज़्यादा मोटी होगी, एकदम छोटी सी एक सर्कल बनाएंगे। अगर आटा आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लें। तो मेरे हाथ में आटा थोड़ा चिपक रहा था, तो मैंने सूखा आटा डस्ट कर लिया है, और बस थोड़ा सा मैं आटा डस्ट करके इसे हल्की सी पूड़ी से भी छोटी आपको बेल लेनी है, और बस इसमें अपनी फिलिंग भर के दोनों तरफ से अच्छे से दबा देंगे, और बीच का हिस्सा खुला रखेंगे। सच मानिए दोस्तों, इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो आपके पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। और आप इसे कभी भी बच्चों के लंच में या रात के डिनर में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर पे तो अक्सर इस रेसिपी को बनाई जाती है, तो मैंने सोचा चलो आज इसे शूट कर लेती हूँ। और ये बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ठंड पड़ी रही है और हमारे यहाँ ठंड में बारिश हो रही है, तो इसीलिए बारिश के मौसम में मैंने इस रेसिपी को बनाया है। और ये देखिए, एक एक करके मैंने अपने सारे फरे को तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसको स्टीम करने की। तो इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख ही दिया था, उस पर मैं अब स्टीम का प्लेट रख के अपने सारे फरों को एक एक करके स्टीम कर दूँगी। तो आधे फरे मैंने बना लिए हैं, और आधों को अभी मुझे बनाना बाकी है। तो पहले आधे फरों को हम स्टीम कर देंगे, 5 मिनट स्टीम करके उसके बाद हम बाकी के फरे और रखेंगे, तब जाके जो हमारे जो फरे हैं एक दूसरे में चिपकते हैं। ये देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया, और फ्लेम तो है लो टू मीडियम रखेंगे, ना ही ज़्यादा तेज फ्लेम रखना है, ना ही ज़्यादा कम फ्लेम रखना है। और ये देखिए, ढक्कन में हटा के देखती हूँ 5 मिनट बाद, तो जो फरे हमारे हैं बिल्कुल सिक गए हैं, और ये बिल्कुल भी ऊपर से नहीं चिपकेंगे। तो इसके ऊपर हम और अब फरे डालेंगे, जो बाकी जो लेफ़्ट ओवर था जो मैंने बना लिया है। और ये देखिए, मैंने बाकी सारे फरे इसके ऊपर रख दिया है, और फिर इसे ढक के मैं 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे हमें स्टीम कर देना है। और ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, और मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ, और हमारे फरे बिल्कुल रेडी हैं। फरे हो जाने का यही साइन है कि फरे एकदम टाइट हो जाएंगे, और बिल्कुल भी जो आपने दाल की फिलिंग भरी थी वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। तो ये देखिए, फरे हमारे बिल्कुल टाइट बन के एकदम रेडी है। अब बस इसे हमें काटना है, और इसे आप हल्का सा ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल स्टीम भी खा सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर आप ऑयली नहीं खाना चाहते हैं, तो ये देखिए बस ऐसे बीच में से कट करके हमें चटनी या किसी भी सॉस केचप के साथ खा सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरा रहता है। तो बस बारी बारी करके मैंने सारे फरे को काट लिया है, और इसके छोंक के लिए मैं इसे नॉर्मल सरसों के तेल में 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करूँगी। तो फरे काफ़ी गर्म है, तो इसे सावधानी से हमें काटना है। और ये देखिए, मैंने सारे फरे एक एक करके काट लिए। आप चाहें तो इसे पतले छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने पूरा बंद करके बनाया था, इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और सुपर, ये देखिए कितना अच्छा और टाइट फरा बन के रेडी हुआ है। आप देख रहे हैं ना, कितनी आसानी से कट जा रहा है, और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है, यानी हमारा जो फरा है बिल्कुल अच्छे से स्टीम हुआ है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे फरे कट के रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इसे हल्का सा हमें सॉटे करना है। तो इसे मैंने सरसों के तेल में हल्का सा राई डाल दिया है। अगर कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसका फ्लेवर और बढ़ाना है तो आप ऊपर से हल्का सा एक चम्मच हल्का कोई भी हल्दी पाउडर या फिर आप सब्जी मसाला या गरम मसाला डाल देंगे तो भी इस फरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं ऐसे सिंपली फ्राई कर रही हूँ, बस राई डाल के मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर दिया है। और फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखेंगे ताकि हमारे फरे जले नहीं, क्योंकि पहले से ही स्टीम हो चुके हैं। सिर्फ हमें ऊपर से इसे हल्का सा टचअप करना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसे बस बहुत ही कम तेल में इसे फ्राई कर रही हूँ। और ये रेसिपी इतनी अच्छी लगती है दोस्तों कि बस आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं अपने घर में। ये बहुत ही खाने में अच्छी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं रोज़ आपको अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। और आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ मैंने टमाटर और धनिया की चटनी बनाई है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।